दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे क्रिकेटर भी हैं जिनकी पत्नियां भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुकी हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इनमें से कुछ जोड़ियां तो इतनी कामयाब रही हैं कि उन्होंने अपने टीमों को वर्ल्ड कप भी जिताया है। आइए डालते हैं एक नजर ऐसे ही कुछ क्रिकेटरों पर और उनकी पत्नियों पर जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम कमाया है। नंबर एक, मिचेल स्टार्क और एलिसा हेली, दोनों ही ऑस्ट्रेलिया से हैं। ये जोड़ी शायद ही किसी क्रिकेट फैन से अनजान होगी। मिचेल जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक हैं, वहीं एलिसा भी ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की प्रमुख विकेटकीपर बल्लेबाज है। 2016 में शादी करने वाले इस जोड़े ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे और टी20 वर्ल्ड कप दोनों जिताने में अहम भूमिका निभाई है। नंबर टू, रॉजर प्राइडॉक्स और रूथ प्राइडॉक्स, इंग्लैंड। रॉजर प्राइडॉक्स भले ही इंग्लैंड के लिए सिर्फ 3 टेस्ट खेल पाए, लेकिन उनकी पत्नी रूथ का करियर उनसे कहीं ज्यादा लंबा रहा। रूथ ने 1957 से 1963 तक इंग्लैंड के लिए 11 टेस्ट मैच खेले और 31.73 की औसत से 476 रन बनाए। नंबर थ्री, रिचर्ड हेडली और कैरन हेडली, न्यूजीलैंड। सर रिचर्ड हेडली को किसी की पहचान की जरूरत नहीं है। 1970 और 80 के दशक में क्रिकेट की दुनिया पर राज करने वाले चौकड़ी का हिस्सा रहे रिचर्ड ने 86 टेस्ट और 115 वनडे मैच खेले। उनकी पत्नी कैरन ने भी 1978 में न्यूजीलैंड के लिए एक वनडे मैच खेला था। नंबर फोर, गाइडी एल्विस और राशांजलि चंडीमा सिल्वा, श्रीलंका। श्रीलंका के लिए 11 टेस्ट और 31 वनडे खेलने वाले गाइडी एल्विस ने राशांजलि चंडीमा सिल्वा से शादी की थी। राशांजलि ने 1997 से 2000 तक श्रीलंका के लिए 1 टेस्ट और 22 वनडे मैच खेले थे। नंबर फाइव, ऋतुराज गायकवाड़ और उत्कर्षा, भारत। टीम इंडिया के लिए अब तक 6 वनडे और 19 टी20 मैच खेल चुके ऋतुराज गायकवाड़ और उनकी पत्नी उत्कर्षा भी इस सूची में शामिल हो सकती हैं। उत्कर्षा दाएं हाथ की मीडियम पेसर गेंदबाज हैं और घरेलू क्रिकेट में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। ये तो बस कुछ उदाहरण है, ऐसे कई और क्रिकेटर हैं जिनकी पत्नियां भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुकी हैं। तो दोस्तों आपका क्या मानना है, किस जोड़ी ने सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है क्रिकेट पर? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी क्रिकेट न्यूज से अपडेट रहने के लिए बाबा क्रिकेट न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।